कहते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में वही जा सकता है जिसे माता रानी खुद बुलावा भेजती है। और एक बार माँ का संदेशा आ गया तो भक्त रुक नहीं पाता। आज हमें भी बुलावा आया है, माँ शेरावाली ने बुलाया है, तो चलिए आज चलते हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार में। जय माता दी। तो अभी हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और मेरे साथ है केवल, केवल जो कि काफी लेट है। केवल की वजह से आज हम हमारी ट्रेन छूटने वाली थी। केवल थोड़ा समय से आया करो यार। तो ऐसा कुछ नहीं था, दरअसल हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे यहाँ। अभी हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं जो दिल्ली से जम्मू तवी तक छोड़ेगी हमें। हमारे साथ मैं हूँ, केवल है, और मेरे साथ मेरी वाइफ है शिवानी। चलो अब हम जम्मू में मिलते हैं, अब जम्मू में मिलेंगे हम। तो अगर बात करें दिल्ली से वैष्णो देवी पहुंचने की, सबसे पहला तरीका है बाय ट्रेन, जो कि सबसे कन्वीनियंट तरीका है और हमने भी यही चूज़ किया। हालांकि हमने डायरेक्ट कटरा तक की ट्रेन नहीं मिली, बट आप टाइमली रिजर्वेशन करके डायरेक्ट कटरा तक अपनी ट्रेन बुक कर सकते हैं। अदरवाइज जम्मू तो है ही एक ऑप्शन, जम्मू से फिर कटरा तक लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। और अगर सबसे बेटर ट्रेन की बात करें तो वंदे भारत में रिजर्वेशन मिल जाता है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। दूसरा है फ्लाइट, तो जम्मू इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं। और तीसरा है वाया बस, अगर आप चाहें तो दिल्ली से कटरा बस से भी आ सकते हैं। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम जम्मू तवी पहुंच गए। तो यहां से अभी हम कटरा को जाएंगे, तो देखते हैं कटरा के लिए कैसे मिलेगा हमें यहां से। लेकिन कल रात को बड़ा एक अजीब सा वाकया हुआ, अभी हम यहाँ नहीं होते अगर 2 मिनट भी लेट हुई होती। और कल तो बड़ा ही भयंकर हमारे साथ हो गया था कांड, क्योंकि हम पहुंच गए थे गलत प्लेटफॉर्म में, लेकिन बिल्कुल ट्रेन छूटते छूटते पहुंचे हैं ट्रेन के पास, तो अभी हम यहाँ नहीं होते अगर 2 मिनट की और देरी होती। जम्मू पहुंचने के बाद हमने लोकल बस से कटरा तक का सफ़र पूरा किया। जम्मू से आप लोकल टैक्सी बुक करके कटरा पहुँच सकते हैं, जो कि 1500 से 2000 तक चार्ज करते हैं, या फिर हमारी तरह लोकल बस से भी आ सकते हैं। लोकल बस का किराया 100 रुपये पर पर्सन पड़ता है। कटरा पहुंचते ही सबसे पहले हमने एक होटल बुक किया 3-4 घंटे आराम करने के लिए, क्योंकि हमें आज ही शाम को अपनी वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करनी थी। अगर आप भी हमारी तरह शॉर्ट स्टे लेते हैं कटरा में, तो आपको 500 रुपये में डिसेंट से होटल मिल जाएंगे। और अगर ओवरनाइट स्टे की बात करें तो यहाँ डिसेंट रूम्स 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हमने यात्रा का ई रजिस्ट्रेशन करवाया, जो कि कटरा में ही होता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपको करीब 1/2 घंटा लगता है रजिस्ट्रेशन पूरा करने में, और भीड़ में समय बढ़ भी सकता है। क्योंकि अब भूख भी बहुत लग रही थी, तो हमने अपना लंच यहाँ के एक फेमस रेस्टोरेंट मनोरंजन में किया, जिसका पता हमें यहीं के कुछ लोकल्स द्वारा पता चला। खाना काफ़ी टेस्टी था। अभी मैं ठीक खड़ा हूँ कटरा चौक में, जो मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो ये कटरा चौक है। अगर आप वो देख रहे होंगे पीछे पहाड़, वहाँ है वैष्णो देवी का दरबार। तो चलिए यहाँ से हम अपनी माँ वैष्णो देवी के दरबार की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर है जो स्टार्टिंग पॉइंट है वैष्णो देवी ट्रैक का, तो आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, हम लोगों ने ऑटो किया है। तो यात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं बाण गंगा चेकपोस्ट से और चल पड़ते हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार की तरफ। चेकपोस्ट से माँ के भवन की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और वहाँ से आगे भैरव मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर और है, जिसे यात्री अपनी सहूलियत के अनुसार पूरा करते हैं। यहाँ से यात्री पैदल, घोड़ा, कच्चर, पालकी और या फिर बैटरी व्हीकल से भी पूरा कर सकते हैं। हमने अपनी यात्रा पैदल शुरू की और ज़्यादातर श्रद्धालु यही करते हैं। जय माता दी के नारों के साथ सबसे पहले आप पहुँचते हैं बाण गंगा। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर माता ने बाण मारकर धरती के सीने से गंगा प्रकट की थी और उससे अपने केश धोए थे। यहाँ बहुत से लोग स्नान करके अपने तन और मन को पवित्र करते हैं।
केवल है जो हमारे साथ, केवल ने डिसाइड किया है वो पूरा 12 किलोमीटर नंगे पांव चढ़ेगा। तो केवल चढ़ दोगे? पक्का। ऐसा क्यों, कोई मन्नत मांगी है? मन्नत नहीं है कोई, शादी की मन्नत मांगी है लग रहा है। तो ऐसे जगह जगह पे शॉर्टकट्स हैं जो सीढ़ी से होते हुए आपको हेल्प करते हैं लंबा रास्ता काट के थोड़ा जल्दी पहुंचने में। लेकिन अगर आप ध्यान रखें, सीढ़ी से आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा जल्दी थकेंगे। समय हो रहा है 5:30 और अभी हम अद्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। थोड़ी बहुत थकान तो हो गई है, लेकिन एक बात है, लास्ट ईयर में जब केदारनाथ के ट्रैक में गया था तो अगर मैं उससे कंपेयर करूँ ये ट्रैक, तो ये बहुत इजी है और इसका टेरेन भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, प्लस स्टीप नहीं है चढ़ाई। हाँ भाई, जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। ओह, अभी भी कुछ देर रह रही है अर्धकुंवारी पहुँचने में, हम ऐसे ही मैया के भरोसे पहुंच जाएंगे। जय माता दी करते करते पहुंच ही जाएंगे। तो अभी 6:30 हो रहे हैं और अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं हम। करीब करीब 1 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। थोड़ा बहुत थक तो गए हैं, लेकिन एक्साइटमेंट भी है। और भाई लौंडे, थकान तो नहीं हो रही? तो हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच गए फाइनली, 7 बज रहे हैं अभी और ये सभी लोग फ्रेश दिख रहे हैं। तो कहते हैं अर्धकुंवारी वो जगह है जहां माता वैष्णो देवी पूरे 9 महीने गुफा में रही थी भैरव से बचने के लिए। इसीलिए इस गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में सुरक्षित रखती है, उसी तरह माता वैष्णो देवी भी इस गुफा में पूरे 9 महीने सुरक्षित छुपी हुई थी। यहाँ से 2 रास्ते हैं वैष्णो देवी जाने के, एक सांझी छत होते हुए और दूसरा हिमकोटी होते हुए। हमने सांझी छत वाला रास्ता चुना, जो कि थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इसमें चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है। 7 बजे करीब हम लोग अर्धकुंवारी पहुँच गए थे, लेकिन अब हमें निकलते निकलते करीब करीब 12:30 हो गया है। और इस जो डिले है, इसका रीज़न है अर्धकुंवारी में जो गुफा है उसके दर्शन के लिए टिकट जो लिया था वो कल का था, क्योंकि अगर आप शाम के वक्त टिकट लेते हो तो आपका जो शेड्यूल होता है विज़िट का, केव विज़िट का, वो अगले दिन का होता है। अगर आप उसी दिन सुबह या टाइमली टिकट ले लेते हो तो उसी दिन आपका नंबर आ जाता है। बट क्योंकि हमने शाम को लिया था तो हमारा कल का शेड्यूल हुआ था। फॉर्चुनेटली कुछ लोग आए, उनके पास आज शाम की टिकट थी केव विज़िट की, तो उन्होंने सुबह ली होगी, तो उन्होंने हमें अपनी टिकट दी और उस टिकट से हमने उस समय केव विज़िट कर ली। तो अगर आप आ रहे हैं तो ये मान के चलिए अर्धकुंवारी में अगर केव विज़िट करनी है तो इट विल टेक अराउंड 3 to 4 hours। इससे हमने आगे का सफ़र शुरू किया और हम रात को करीब 2:30 बजे भवन के पास पहुँचे, जहां हमने अपना स्टे बुक किया, जो कि फॉर्चुनेटली हमको करीब 1500 रुपये में मिल गया। तो हमने डिसाइड किया हम रात को यहीं रुककर आराम करेंगे और सुबह माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर डे। कल रात काफ़ी लेट पहुँचे हम, 2:30 बजे के आसपास। यहाँ पहुँचते ही जो सबसे पहला हमें स्टे ऑप्शन देखा, हमने वही कल ले लिया था। अकोमोडेशन है जिसमें हमें हीटर प्लस गीजर की सुविधा मिली थी, और ये प्रॉपर्टी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा ऑपरेट की जाती है।
अगर आप चाहे तो इसको एडवांस में इनकी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ स्टे ऑप्शंस की बात करें तो कुछ लॉजेस और धर्मशाला उपलब्ध हैं यात्रियों के विश्राम के लिए। तो ये स्पॉट है, लास्ट स्पॉट है जहाँ तक आप अपना सामान लेके जा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी मिलती है जहाँ पे आप अपना सारा सामान रख सकते हैं, क्योंकि भवन के अंदर आपको कुछ भी सामान अलाउड नहीं है। पर्स, बेल्ट, आपका जो भी है सब कुछ यहीं पे आपको जमा करना पड़ता है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फाइनली दर्शन हो गए हमारे, दर्शन करके हम जस्ट अभी बाहर निकले हैं। इसके बाद भैरव जाएंगे, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हो और भैरव नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी रहती है। तो अभी हम लोग भैरव की तरफ बढ़ रहे हैं, भैरव मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं ट्रैक करके जाते हैं या फिर रोपवे से जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भैरव मंदिर जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप ट्रैक करके जा सकते हैं और दूसरा आपके पास ट्रॉली रोपवे का ऑप्शन है, तो आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। तो हमने भैरव की यात्रा रोपवे से करने का डिसाइड किया। अगर आप रोपवे से यात्रा करते हैं भैरव की, तो आपको 100 रुपये का टिकट पड़ता है जो कि ऊपर जाने और नीचे आने दोनों के लिए वैलिड होता है। भैरव मंदिर के इम्पोर्टेंस की बात करें तो कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। तब माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तो फाइनली हम अपने आखिरी पड़ाव भैरव मंदिर में पहुँच गए, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ इससे ठीक पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से भैरव मंदिर की एंट्री होती है। तो भैरव जी के दर्शन के साथ ही जो हमारी वैष्णो देवी की यात्रा थी ये संपूर्ण हुई। मेरा तो जो यात्रा का अनुभव है बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही सुखद रहा। तो केवल आपका अनुभव कैसा रहा? चलो केवल का भी बहुत ही बढ़िया रहा। आपकी कैसी रही यात्रा? जय माता दी। मेरी तो बहुत 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 अद्भुत, मजा आ गया। अच्छा, दोबारा से आऊंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइएगा आपको ये यात्रा कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको कई और ऐसी वीडियोस देखने को मिले। तो चलिए अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। जय माता दी।